हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर जिनेश कुमार सिंह। मैं कंप्यूटर लेक्चरर जीपीसी सिरोही से। आज हम बात करेंगे पीएचपी एरे के प्रैक्टिकल्स के बारे में। तो आज के हमारे टॉपिक्स हैं पीएचपी के अंदर एरे हम कैसे बना सकते हैं, एरेज इन पीएचपी, और पीएचपी के अंदर एरेज के कौन कौन से फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल है जिनको हम यूज़ करके एरे के प्रोग्राम बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पीएचपी के अंदर एरे बनाने के लिए हम क्या फंक्शंस काम में लेते हैं। तो पीएचपी के अंदर एरे फंक्शन होता है ARRAY, एरे, ठीक है। तो ये एरे फंक्शन हम यूज़ में लेकर पीएचपी के अंदर इजीली एरे क्रिएट कर सकते हैं। पीएचपी के अंदर तीन टाइप के एरे होते हैं, इंडेक्स एरे जो कि न्यूमेरिकल इंडेक्सेस से चलते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, एसोसिएटिव एरे जिसके अंदर नेम्ड की होती है जो 0, 1, 2, 3 इस तरह से न्यूमेरिकल इंडेक्स से नहीं चलते हैं बल्कि की और वैल्यू का एक पेयर होता है जिसके अंदर एक्सेस करने के लिए हमको की ज़रूरत होती है और वो की कुछ नाम होता है, ओके। और थर्ड है मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे मीन्स एक एरे के अंदर एक और दूसरा एरे या एक और सेल उसके अंदर एक और एरे, इस तरह से मतलब एक ही एरे के अंदर दूसरा एरे और हम डाल सकते हैं, तो वो जाता है मल्टी डायमेंशनल। तो सबसे पहला हम एग्जांपल लेते हैं पीएचपी के अंदर इंडेक्स एरे का। इंडेक्स एरे जो कि न्यूमेरिकल इंडेक्सेस से चलते हैं, तो हम इसके अंदर नंबर ले सकते हैं, एरे के अंदर हम नंबर डाल सकते हैं, कुछ स्ट्रिंग कैरेक्टर्स की वैल्यू भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने एक न्यूमेरिकल ही एरे लिया है, तो सबसे पहले हमने एरे को डिक्लेयर किया डॉलर नंबर्स, ये हो गया एरे का नाम, इक्वल टू ये एरे का फंक्शन हो गया, और इसके अंदर वैल्यू हमने क्या लिए, 1, 2, 3, 4, चार वैल्यू है इसके अंदर। तो नंबर्स 0 क्या हो गया 1, नंबर्स 1 क्या हो गया 2, नंबर्स 2 क्या हो गया 3, और नंबर्स 3 क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो ये एक एरे बन गया नंबर्स नाम के वेरिएबल में जिसके अंदर चार वैल्यू है 1, 2, 3, 4। अब हमको इसको प्रिंट करना है, तो जैसा कि हमने पिछले अपने वीडियो लेक्चर में देखा था, हम फॉर ईच लूप का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर ईच डॉलर नंबर्स एज डॉलर वैल्यू, और यहाँ पर हम वैल्यू को प्रिंट करा देंगे, इको वैल्यू इज डॉलर वैल्यू। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वैल्यू इज 1, वैल्यू इज 2, वैल्यू इज 3, वैल्यू इज 4, इस तरह से चार वैल्यू हमारे पास आ जाएंगे, ओके। ये तो एक फर्स्ट मेथड हुआ एरे क्रिएट करने का जिसके अंदर हमने एरे फंक्शन को यूज़ में लिया। एक दूसरा तरीका और है पीएचपी के अंदर एरे क्रिएट करने का जिसके अंदर हमको एरे फंक्शन काम में लेने की आवश्यकता नहीं है। हम डायरेक्टली एरे का नाम, उसका इंडेक्स नंबर और इक्वल टू वैल्यू ऐसा लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है डॉलर नंबर्स 0 = 1, डॉलर नंबर्स 1 = 2, डॉलर नंबर्स 2 = 3, और डॉलर नंबर्स 3 = 4। तो यहाँ पर हमने एरे चेंज कर दिया है, यहाँ 0, 1, 2, 3 इस इंडेक्सेस में हमने स्ट्रिंग रखी है 1, 2, 3 और 4। अगेन इसको हम प्रिंट करा लेते हैं फॉर ईच लूप से, फॉर ईच डॉलर नंबर्स एज डॉलर वैल्यू, इको वैल्यू इज डॉलर वैल्यू। तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा 1, 2, 3, 4, ओके। तो ये प्रोग्राम हम अब रन करके देखते हैं। तो प्रोग्राम रन करने से पहले हमें क्या करना होगा, ये एग्जांपल जो है इसको htdocs के अंदर, ये रहा प्रोग्राम एग्जांपल नंबर 19, htdocs फोल्डर के अंदर हमको इसको स्टोर करके रखना होगा, और हमारा ZAMP जो है उसके अंदर अपाचे सर्विस को स्टार्ट करनी है। तो हमारे ZAMP के अंदर अपाचे सर्विस से स्टार्ट से हमारा प्रोग्राम यहाँ रखा है, तो अब हम लोकल होस्ट पे जाके प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम है न्यूमेरिकल एरे, पहला मेथड जिसके अंदर हमने एरे फंक्शन का यूज़ में लिया हुआ है, और दूसरा मेथड जिसके अंदर हमने विदाउट यूजिंग एरे फंक्शन प्रोग्राम बनाया है, यहाँ पर विदाउट यूजिंग एरे फंक्शन, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, यहाँ लिखते हैं लोकल होस्ट /ex19.php। यहाँ पर देखिए आउटपुट में यहाँ पर प्रिंटिंग का हमने एक और तरीका देखा है। देखिए पहला जो प्रिंटिंग का मेथड है वो है फॉर ईच के थ्रू हमने प्रिंट किया। सेकंड द सेम लूप, इसी एरे को हम फॉर लूप के थ्रू भी प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके अंदर हमको चाहिए एरे की लेंथ, तो एरे की लेंथ को हम काउंट एक फंक्शन होता है उसके थ्रू ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया एरे लेंथ इक्वल टू काउंट डॉलर नंबर्स, तो ये एरे का नाम हो गया, ठीक है। तो काउंट फंक्शन उस एरे के नाम को इनपुट में लेता है और हमको बताता है कि टोटल कितने एलिमेंट्स उसके अंदर हैं। तो जैसे कि हमारे पास अभी एरे के अंदर चार एलिमेंट है 1, 2, 3, 4,
तो हमने फॉर लूप में लगाया डॉलर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एरे लेंथ आई प्लस प्लस। तो ये लूप कहाँ से चलेगा, जीरो से लेके थ्री तक, एंड वैल्यू इज डॉलर नंबर आई। तो इससे भी हम इसको एरेज की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। तो चाहे तो हम फॉर ईच लूप ले सकते हैं और नहीं तो फॉर लूप से भी हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। इसका जो आउटपुट हमारे पास आता है वो देखिए क्या है। फॉर ईच लूप से हमने प्रिंट किया है, वैल्यू इज़ 1 2 3 4। फॉर लूप से हमने उस सेम एरे को प्रिंट किया, अगेन वैल्यू सेम आएगी 1 2 3 4। और यहाँ पर हमने विदाउट एरे फंक्शन एक स्ट्रिंग एरे बनाया था जिसके अंदर वैल्यू थी 1 2 3 और 4, चार स्ट्रिंग वैल्यूज हमने लिए यहाँ पर, वो भी हमको प्रिंट हो गई। तो इस तरह से हम पीएचपी के अंदर एरे फंक्शन को यूज़ करके और इवन विदाउट यूजिंग एरे फंक्शन यूज़ करके इजीली एरे बना सकते हैं और फॉर ईच लूप के थ्रू एरे को प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसोसिएटिव एरे की। एसोसिएटिव एरे जैसे कि मैंने बताया था, इसके अंदर एक की होती है और एक वैल्यू होती है। तो की और वैल्यू का एक पेयर है जिसको हम एज ए एरे काम में लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर डॉलर सैलरीज हमने एक एरे बनाया, डॉलर सैलरीज इक्वल टू एरे एच आर, यह हो गया की और उसकी वैल्यू क्या हो गई 2000। दूसरा है MD, ये हो गई की और उसकी वैल्यू क्या है 1000, और DM इसकी वैल्यू हो गई 500, ठीक है। तो हम इसको इंडिविजुअली भी प्रिंट करा सकते हैं, जिसकी सैलरी ऑफ HR इज, अब यहाँ पर सैलरीज एरे के अंदर मैंने की वैल्यू दी है HR, तो मुझे HR की वैल्यू यहाँ कर क्या मिल जाएगी, दो सैलरी ऑफ HR इज 2000, ओके। तो ये हो गया एक एसोसिएटिव एरे। इसको एसोसिएटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर एक वैल्यू के साथ एक की एसोसिएट है। यहाँ पर इस 2000 वैल्यू के साथ में जो की है वो है HR, इस 1000 के साथ में जो हमारे पास की एसोसिएट है वो है MD, इस तरह से। अब इस एग्जांपल को हम एक बार रन करके देखते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है, सैलरीज इक्वल टू एरे HR, MD और DM, तीन की है और तीनों की इंटीजर वैल्यूज हैं। हमने इसको प्रिंट कराया, सैलरी ऑफ HR इज डॉलर सैलरीज HR, नीचे सैलरी ऑफ MD इज डॉलर सैलरीज MD, और इसी तरह से हमने DM को सैलरी को प्रिंट कराया, ठीक है। अभी विदाउट यूजिंग एरे भी हम एसोसिएटिव एरे बना सकते हैं। उसके अंदर अगेन डायरेक्टली यहाँ पर न्यूमेरिकल इंडेक्स की जगह हमें की लिखनी होगी, डॉलर सैलरीज HR इक्वल टू हाई, डॉलर सैलरीज MD इक्वल टू मीडियम, डॉलर सैलरीज DM इक्वल टू लो। तो हम यहाँ पर हाई, मीडियम और लो को भी प्रिंट करा सकते हैं। अब इस एग्जांपल को हम एक बार रन करके देखते हैं। यह है हमारा एग्जांपल नंबर 20। यहाँ पर देखिए आउटपुट में यह है हमारा विद एरे फंक्शन, इसके अंदर सैलरी ऑफ HR इज 2000, MD 1000 एंड लेक्चर 500, ओके। इस तरह से विदाउट यूजिंग एरे फंक्शन में हम देते हैं सैलरी ऑफ HR इज हाई, MD इज मीडियम एंड DM इज लो। तो ये हो गया हमारा एसोसिएटिव एरे, ओके, जिसके अंदर हम की और वैल्यू का पेयर काम में लेते हैं। थर्ड टाइप का हमारा पीएचपी का एरे है, वो है मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल मीन्स एक एरे के अंदर एक और एरे। तो जैसे कि मार्क्स नाम का एक एरे हमने बनाया, डॉलर मार्क्स इक्वल टू एरे। अब इसके अंदर तीन एरे हैं, पहला है अभिषेक, उसका एरे है फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री के मार्क्स। दूसरी रो है आकाश, ये भी एक एरे है, इसके अंदर भी फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री के मार्क्स हैं। तीसरा है मितेश, इसके अंदर भी फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री के मार्क्स हैं। तो ये क्या हो गया, एक मल्टी डायमेंशनल एरे हो गया। मार्क्स एक बड़ा एरे है जिसके अंदर तीन एरे हैं, अभिषेक एरे, आकाश एरे और मितेश एरे। इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। ये है हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। मार्क्स, इसके अंदर अभिषेक, आकाश और मितेश, ये तीन एरे हो गए जिनके अंदर फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री के नंबर हैं। इसको हम इजीली प्रिंट करा सकते हैं, जैसे कि मार्क्स फॉर आकाश इन फिजिक्स इज डॉलर मार्क्स, यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू दी है आकाश जो कि एरे का नाम है, और सेकंड वैल्यू दी है फिजिक्स जो कि पर्टिकुलर उस एरे के अंदर फील्ड का नाम है, जैसे कि आकाश फिजिक्स। तो ये हमको आकाश स्टूडेंट के फिजिक्स के मार्क्स प्रिंट कर देगा। इसी तरह से अभिषेक मैथ्स, मितेश केमिस्ट्री, ये हमको मल्टी डायमेंशनल एरे इस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। यह है एग्जांपल नंबर 21। यहाँ पर देखिए मार्क्स फॉर आकाश, मार्क्स फॉर अभिषेक, मार्क्स फॉर मितेश, ओके।
इस तरह से हम मल्टी डायमेंशनल एरे भी इजीली पीएचपी के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अब हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर डॉलर कार्ड्स हमने एक एरे बनाया है जिसके अंदर हमने तीन वैल्यू रखी है, वोल्वो, बीएमडब्ल्यू और टोयोटा, ठीक है, ये तीनों कारों के नाम है। एरे एक बनाया हमने डॉलर कार्ड्स के अंदर, यहाँ पर लिखा है इको काउंट डॉलर कार्ड्स, तो इससे क्या आउटपुट आएगा हमको, इससे हमको आउटपुट आएगा, काउंट क्या करता है कि एरे के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो देगा, तो कितने एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, ओके, आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, 3। इसी तरह से फॉर लूप जो है वो भी हमको एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए हम काम में ले सकते हैं, जैसे कि सेम एरे हमने लिया है डॉलर एरे कार्ड्स एरे वोल्वो बीएमडब्ल्यू टोयोटा, एरे लेंथ इक्वल टू काउंट कार्ड्स, तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा 3 एलिमेंट्स हैं, 0 से लेके लेस देन 3 तक का फॉर लूप चला है और उसके अंदर हमने कार्ड्स डॉलर 0 डॉलर 1 डॉलर 2 तो 0 1 2 इन तीनों वैल्यूज़ को प्रिंट कराया है, ओके, बीआर हमने काम में लिया है लाइन ब्रेक के लिए, ठीक है। इस तरह से हम काउंट फंक्शन का यूज़ में लेके फॉर लूप के थ्रू इजीली एरे को प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली फॉर ईच लूप जो है वो यूज़ में लेना ज़्यादा आसान है एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए। तो हमारे पास क्या क्या फंक्शंस हैं एरे के एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए, इको कर सकते हैं लूप के अंदर, जिसके अंदर हम फॉर लूप फॉर ईच जो है उसमें विद काउंट फंक्शन फॉर लूप में लग जाएगा, फॉर ईच जो है उसके अंदर हमें काउंट फंक्शन की ज़रूरत नहीं रहती, तो इको कर सकते हैं हम फॉर ईच के अंदर। दो और मेथड है हमारे पास, प्रिंट अंडरस्कोर आर यानी कि रिकर्सिव प्रिंट और वेरिएबल अंडरस्कोर डंप, ये वेरिएबल को डंप करता है, तो इन दोनों मेथड्स के थ्रू भी हम एरे को ईजिली प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल हम दोनों यूज़ में लेके देखते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर हमने एक एरे लिया है नंबर्स का 1, 2, 3, 4, ये है फॉर ईच लूप जिसके अंदर हमने वैल्यू को प्रिंट किया है, यहाँ पर प्रिंट अंडरस्कोर आर फंक्शन को यूज़ में लिया है, तो प्रिंट अंडरस्कोर आर और एरे का नाम, इसी तरह से वेरिएबल अंडरस्कोर डंप और एरे का नाम, इनसे भी हम एरे के वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हैं। तो इसका आउटपुट हम देखते हैं एक बार, एग्जांपल नंबर 22 इसको रन करते हैं, ये देखिए फॉर ईच लूप से हमने वैल्यू 1, 2, 3, 4 प्रिंट कर ली। अगर हम प्रिंट रिकर्सिव फंक्शन को काम में लेते हैं प्रिंट अंडरस्कोर आर, तो हमको क्या मिलता है, फर्स्ट तो मिलता है कि टाइप, उसका टाइप क्या है, एरे टाइप का है, उसकी जीरो इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, 1, फर्स्ट इंडेक्स पे है वैल्यू 2, सेकंड इंडेक्स पे है वैल्यू 3 और लास्ट इंडेक्स पे है वैल्यू 4, ये हुआ प्रिंट अंडरस्कोर आर का आउटपुट। इसी तरह से हम वेरिएबल अंडरस्कोर डंप ये फंक्शन भी काम में ले सकते हैं, ये बताता है कि वेरिएबल किस टाइप का है, ये एरे टाइप का है और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, जीरोथ एलिमेंट है एक इंटीजर वैल्यू 1, फर्स्ट एलिमेंट है एक इंटीजर वैल्यू 2, सेकंड एलिमेंट है एक इंटीजर वैल्यू जो कि है 3 और लास्ट एलिमेंट है एक इंटीजर वैल्यू 4, ठीक है। तो वेरिएबल डंप हमको वैल्यू और टाइप बताता है, प्रिंट अंडरस्कोर आर हमको डेटा की टाइप बताता है कि एरे है और उसके इंडेक्स पे कौन कौन सी वैल्यू रखी है वो बताता है, जबकि फॉर लूप हमको केवल वैल्यू प्रिंट करके देता है। तो हम अगर डेटा टाइप और उसके पर्टिकुलर आइटम्स के बारे में भी जानना चाहें तो वेरिएबल अंडरस्कोर डंप और प्रिंट अंडरस्कोर आर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एरे के अंदर फंक्शंस की, तो एरे के अंदर हमारे पास कुछ एक फंक्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो कि हम इंसर्ट और डिलीट करने के लिए काम में ले सकते हैं, जैसे कि पहला फंक्शन है एरे अंडरस्कोर पॉप, ठीक है, ये क्या करता है, लास्ट एलिमेंट को डिलीट करता है। इसी का रिवर्स है पुश, जो कि लास्ट पोजीशन पे एरे के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करता है, तो पॉप से हमको एलिमेंट डिलीट होते हैं और पुश से हमको एलिमेंट इंसर्ट करने की फंक्शन मिलता है, ठीक है। इसी तरह से शिफ्ट और अनशिफ्ट, ये शिफ्ट क्या करता है, रिमूव करता है पहला एलिमेंट, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन से, यानी कि स्टार्टिंग से एलिमेंट को अगर डिलीट करना है तो शिफ्ट काम में लेगा और लास्ट से अगर हमको एलिमेंट डिलीट करना है तो पॉप काम में लेना है। इस तरह से इसका रिवर्स फंक्शन है अनशिफ्ट, जो कि स्टार्टिंग के अंदर हमको एलिमेंट इंसर्ट करने का फंक्शन प्रोवाइड करवाता है। तो शिफ्ट क्या करेगा, शिफ्ट और अनशिफ्ट स्टार्टिंग पे काम करते हैं, पुश और पॉप ये एंडिंग पे काम करते हैं। इस तरह से एक फंक्शन है एरे अंडरस्कोर रिवर्स, ये एरे की वैल्यूज़ को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करता है। एरे अंडरस्कोर सर्च, ये एरे के अंदर क्या पर्टिकुलर एलिमेंट सर्च करता है और उसकी की पोजीशन बताता है कि किस पोजीशन पे वो एलिमेंट स्टोर किया हुआ है। एरे अंडरस्कोर सम,
ये फंक्शन हमको बताता है कि टोटल, अगर वो न्यूमेरिकल वैल्यू है तो टोटल उसकी सम क्या है, एरे के अंदर टोटल एलिमेंट्स की सम क्या आ रही है वो हमको बताता है। काउंट फंक्शन हमने देखा है ऑलरेडी, जो कि फॉर लूप के अंदर काउंट काम में आता है, ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे के अंदर कितने हैं ये हमको काउंट बताता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर पुश फंक्शन का एक एग्जांपल हम देखते हैं। एक एरे हमने लिया है रेड और ग्रीन, ठीक है, इसके अंदर मैं पुश करता हूँ डॉलर ए के अंदर ब्लू और येलो। ठीक है, तो अब हमको प्रिंट अंडरस्कोर आर डॉलर ए अगर मैं करता हूँ तो आउटपुट में क्या मिलेगा, रेड कॉमा ग्रीन, फिर उसके बाद में ब्लू और येलो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक एरे लिया है 1 2 3 4 और इसके अंदर मैंने पुश किया है डॉलर ए 5 और 6, तो क्या होगा, 4 के आगे 5 और 6 की एलिमेंट की एंट्री आ जाएगी। इस तरह से एरे पॉप का फंक्शन है जो कि लास्ट एलिमेंट्स को रिमूव करता है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने एक एरे लिया है रेड ग्रीन और ब्लू और यहाँ से लिखा है डॉलर बी इक्वल टू एरे पॉप डॉलर ए, तो डॉलर बी के अंदर क्या आ जाएगा, एरे का लास्ट एलिमेंट यानी कि ब्लू, और अभी एरे के अंदर क्या रह जाएगा, दो एलिमेंट्स केवल रेड और ग्रीन। ठीक है, तो लास्ट एलिमेंट जो है वो डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से 1 2 3 4 के अंदर अगर मैं एरे पॉप करूं तो 4 निकल जाएगा और एरे के अंदर क्या बचेगा, 1 2 और 3, केवल 3 एलिमेंट बचेंगे। एरे शिफ्ट मैंने बोला था इंसर्ट हमारे लिए, जब एरे के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे कुछ इंसर्ट या डिलीट करना है तो हम शिफ्ट और अनशिफ्ट काम में लेते हैं। शिफ्ट जो है वो रिमूव करता है फर्स्ट एलिमेंट को। ठीक है, तो जैसे कि हमने एक एरे लिया है रेड ग्रीन और ब्लू, अब उसमें मैं लिखता हूँ इको एरे शिफ्ट, तो क्या होगा, रेड एलिमेंट जो है वो बाहर आ जाएगा और एरे के अंदर अब क्या बचेगा, ग्रीन और ब्लू। इसी तरह से एक एरे लिया है 1 2 3 4, एरे शिफ्ट करेंगे तो 1 जो है वो आउटपुट में हमको बाहर मिल जाएगा और पीछे एरे में क्या बचेगा, 2 3 4। ठीक है, ये हमको आउटपुट में मिलेगा। इस तरह से एरे अनशिफ्ट फंक्शन में क्या होगा, ठीक है, ये एलिमेंट को इंसर्ट करेगा शुरुआत में, बिगिनिंग में इंसर्ट करेगा। तो जैसे कि रेड ग्रीन और ब्लू है, इसमें मैं एरे अनशिफ्ट करता हूँ येलो, तो अब एरे के अंदर सबसे पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा, येलो, उसके बाद रेड ग्रीन और ब्लू। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर एरे है 1 2 3 4, उसमें अनशिफ्ट किया है 12, तो एरे के अंदर क्या आ जाएगा, पहले 12 फिर 1 2 3 4। ओके, 12 जो है वो बिगिनिंग में इंसर्ट हो जाएगा। कुछ एक सॉर्टिंग के फंक्शंस भी हमारे पास एरे के अंदर अवेलेबल्स हैं, जैसे कि सॉर्ट, ये असेंडिंग ऑर्डर में एरे को सॉर्ट करता है, जैसे कि डॉलर कार्स इक्वल टू एरे वोल्वो बीएमडब्ल्यू टोयोटा। ठीक है, तो सॉर्ट कार्स किया है तो अल्फाबेटिकली ये बाय डिफॉल्ट सॉर्ट हो जाएगा, तो बी फिर वी और फिर टी। ठीक है, पहला आएगा बीएमडब्ल्यू, फिर आएगा टोयोटा, फिर आएगा वोल्वो। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब प्रिंट करेंगे इसको तो ये हमको सॉर्टेड ऑर्डर में मिलेगा। सिमिलरली सॉर्ट को हम 1 3 2 4 इसके अंदर अगर अप्लाई करेंगे तो हमको आउटपुट में मिलेगा 1 2 3 4, एरे सॉर्ट होकर आ जाएगा। ठीक है, आर सॉर्ट जो है वो सॉर्टिंग का ही फंक्शन है, लेकिन रिवर्स सॉर्ट करता है, मींस डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। तो 1 3 2 4 को हमको आउटपुट में मिलेगा 4 3 2 1, इसी तरह से प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है, पीएचपी के कुछ एरे के फंक्शंस और एग्जांपल्स इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, w3schools/php और php.arrays.asp। तो हम अपने कुछ एक एग्जांपल्स इस वेबसाइट पे जाकर भी चेक कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए w3school, यहाँ पर एक टॉपिक दिया है php arrays और यहाँ पर दिया है सॉर्टिंग एरे। ठीक है, तो यहाँ पर php array और इससे रिलेटेड सारे फंक्शंस हम रीड कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं और उनके एग्जांपल्स को भी हम रन करके देख सकते हैं। इसी तरह से सॉर्टिंग के अंदर हमको फंक्शंस दिए हैं, सॉर्ट फंक्शन, आर सॉर्ट फंक्शन, ए सॉर्ट, के सॉर्ट, ये सब एसोसिएटिव एरे के लिए हैं। ठीक है, एसोसिएटिव एरेज के लिए ए सॉर्ट, के सॉर्ट, आर सॉर्ट, ये सब अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हम नीचे एग्जांपल दिए हैं जिनको हम इजीली रन करके और इन फंक्शंस के बारे में जान सकते हैं और इनको समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम एग्जांपल रन करते हैं पीएचपी का फंक्शंस का। तो ये एक प्रोग्राम हमने बनाया है, पहला हमने एक एरे लिया है 1 2 3 4, इसके अंदर एरे पॉप फंक्शन लगाया है, तो पॉप से क्या होगा, ठीक है, डिलीट द लास्ट एलिमेंट, तो 4 यहाँ से हट जाएगा, तो आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, 1 2 3। वापस से हमने एक एरे लिया है 1 2 3 4, इसके अंदर पुश फंक्शन में हमने 5 और 6 डाला है, तो आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, 1 2 3 4 और उसके आगे पुश 5 और 6, दो एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। ठीक है,
यहाँ पर शिफ्ट फंक्शन हमने काम में लिया। शिफ्ट क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा। तो यहाँ पर हमने लिया इको एरे शिफ्ट डॉलर ए, ठीक है। तो एरे शिफ्ट डॉलर ए में से फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, प्रिंट होगा, यानी कि वन प्रिंट हो जाएगा और बचा हुआ एलिमेंट जो है वो है 2, 3 और 4। ओके, इस तरह से अनशिफ्ट में हमने 12 को ऐड किया है, तो 12 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ओके, और फॉर लूप के अंदर अब हम अगर एरो की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, 12, 1, 2, 3, 4, ठीक है। 12 जो है वो हमारे पास सबसे आगे आ जाएगा, ठीक है। एरे रिवर्स फंक्शन, रिवर्स फंक्शन क्या करेगा, रिवर्स कर देगा, तो 4, 3, 2, 1, इस तरह से उल्टा एरे हमको प्रिंट हो जाएगा। एरे सर्च फंक्शन, जैसे यहाँ पर मैंने सर्च किया है 5, ठीक है, एक्चुअली 5 की जगह 5 है नहीं हमारे पास, 3 हम सर्च करते हैं, जैसे मैंने एरे सर्च किया है 3, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 3 की पोजीशन, एक तो 3 एलिमेंट, तो ये कौन सी लोकेशन पे, 0, 1, 2, सेकेंड पोजीशन पे हमारे 3 एलिमेंट अवेलेबल है, तो वो हमको आउटपुट में मिल जाएगा। इस तरह से एरे सम, एरे सम क्या करेगा, इन टोटल एलिमेंट्स की हमको सम करके बताएगा, तो 4 + 3 + 2 + 1 ये हमारे पास आउटपुट में आएगा। अब इस प्रोग्राम को एक बार हम रन करके देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 23। ठीक, देखिए पॉप फंक्शन डिलीट द लास्ट एलिमेंट, तो एलिमेंट हमारे पास क्या रहेगा, 1, 2, 3, 4 गायब हो गया, ठीक है। पुश फंक्शन, पुश से क्या होगा, 5 और 6 ये दोनों एरे के अंदर ऐड हो जाएंगे, क्योंकि एक्चुअल हमारा एरे था 1, 2, 3, 4, उसमें पुश किया हमने 5 और 6, ठीक है। शिफ्ट फंक्शन, शिफ्ट फंक्शन क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा, कौन सा एलिमेंट रिमूव हुआ है, 1, और एरे के अंदर क्या बचा है, वैल्यू इज 2, 3 और 4, 3 ही एलिमेंट बचे हैं, ठीक है। अनशिफ्ट फंक्शन इंसर्ट करेगा बिगनिंग में, यहाँ पर वैल्यू इज 12 हमने इंसर्ट किया था, तो 12 बिगनिंग में आ गया और लास्ट के एलिमेंट 1, 2, 3, 4 एज इट इज है। एरे रिवर्स, ठीक है, ठीक है, तो ये हमको रिवर्स ऑर्डर में एरे को प्रिंट करके दिखाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमने लिखा था एरे रिवर्स, ठीक है, तो एरे रिवर्स करने से क्या होगा, हमको आउटपुट में उसका रिवर्स, सॉरी यहाँ पर हमने एरे को ही वापस प्रिंट कर दिया, यहाँ पर प्रिंट करना था एरे रिवर्स को, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पर आउटपुट के अंदर इसी पर आउटपुट लगा के देखते हैं, तो हमको एरे रिवर्स में मिल जाएगा, लेकिन अगर वापस से इसको हम प्रिंट करेंगे तो ओरिजिनल वैल्यू हमको वापस मिल जाएगी 1, 2, 3, 4 के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है एरे सर्च, एरे सर्च का आउटपुट हम देखते हैं, देखिए हमने सर्च किया था 3, तो 3 कौन सी पोजीशन पे अवेलेबल है, 0, 1, 2 सेकेंड पोजीशन पे, ठीक है, एक्चुअली थर्ड पोजीशन पे है। देखिए यहाँ पर यह है पोजीशन नंबर 0, यह है पोजीशन नंबर 1, यह है पोजीशन नंबर 2, ठीक है। तो इसने इंडेक्स बता दी कि एरे की पोजीशन नंबर 2 पर हमारे पास वैल्यू 3 अवेलेबल है। और एरे सम, एरे सम इन टोटल का सम है जो कि है 10, 4 + 3 + 2 + 1 तो टोटल हो गया 10। तो इस तरह से हम आसानी से एरे के अंदर फंक्शंस को काम में ले सकते हैं। फाइनली हम सॉर्ट और आर सॉर्ट फंक्शन को काम में लेते हैं। तो जब मैं सॉर्ट करूँगा तो हमारे पास आउटपुट में आएगा 1, 3, 2, 4 की जगह आएगा 1, 2, 3, 4, और आर सॉर्ट के अंदर आ जाएगा हमारे पास 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो ये आउटपुट हम रन करके देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 24। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 सॉर्ट हो गया और रिवर्स सॉर्ट में हो गया 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो इस तरह से हम एरे के फंक्शंस को इजीली काम में ले सकते हैं। थैंक यू।